गाइस एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है चाय के साथ शाम के कितने बजे, जस्ट वेट, ये फोन 5:31। बहुत ही बढ़िया दिन, एक तो है आज अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती और साथ ही साथ आज है हमारे बेटे सिद्धार्थ का जन्मदिन, जिसकी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और हमको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसका एक व्लॉग हमने सुबह भी डाल दिया क्योंकि सुबह प्रिपरेशन कर रहे थे, अभी शाम के 5:30 हो रुके हैं, हमने करनी है छोटी सी बच्चों के साथ सेलिब्रेशन, जिसके लिए मैंने प्रिपरेशन करनी है। फिर से मेरे को मार्केट जाना है कुछ उनके खाने पीने के लिए स्नैक्स और कुछ केक तो कट नहीं करेंगे हम, क्योंकि केक कट करने के लिए बच्चा चाहिए, लेकिन केक जैसी ही आइटम लाएंगे क्योंकि बच्चों को वो पसंद होती है और करेंगे। बाकी केक तो कट करेंगे क्योंकि 12 को मैं और मम्मी वहाँ पे जाएंगे और अपने बेटे से मिलेंगे, और उसके साथ अगर टाइम लगा तो केक जरूर कट करेंगे अगर मेरे को अवेलेबल हो गया। और फिलहाल मम्मी के पास चलते हैं, मम्मी जी भी आ गए, आज मार्केट में बहुत काम किए और एग्जॉस्ट फैन की वजह से आवाज़ चल रही है, और मम्मी जी बना रहे हैं, मम्मी जी हो रहा है मेरी तरफ से भी आजकल। अच्छा है, रिस्पेक्ट देनी बहुत अच्छी बात, अगर ये रिस्पेक्ट हम स्टार्टिंग में ही देंगे तो कभी कोई दिक्कत ही नहीं होती, लेकिन ये बनावटी नहीं होनी चाहिए। बनावटी जो रिस्पेक्ट होती है दिख जाती है, जो दिल से होती है ना वो कभी नहीं, वो पता चल जाता है कि इंसान की इंटेंशन क्या है। और बस यही प्यार व्यार ही चलता है फिलहाल। चलिए इस व्लॉग को हम अच्छा बनाते हैं। और गाइज एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात ये हो रखी है कि अभी आधा पौना घंटा पहले इतना अंधेरा हो रखा था ना, अभी 5:30 हो रखे हैं, देखिए कितनी खूब बारिश हुई है और बहुत आंधी तूफान चला हुआ है। और ये अच्छी बात होती, ओ भाई ये भी बिजली भी कड़की, और बहुत अच्छी बात होती है कि बारिश हो तो आपके जो काम होते हैं, जब भी कोई त्यौहार होता है या फिर फंक्शन होता है, जब बारिश हो जाए ना तो शुभ माना जाता है। और फिलहाल मेरे को अभी निकलना था, तूफान बहुत ज़्यादा चला हुआ था तो मैं निकला नहीं। फिलहाल क्या है, प्रिपेयर कर दूँ और बेड वगैरह को मैंने किया, यहीं पे करेंगे, बाहर नहीं करेंगे, और डेकोरेट वगैरह तो नहीं किया क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। कोई बात नहीं, दिल में वो खुशी होनी चाहिए, बच्चों के साथ सेलिब्रेशन करेंगे, बच्चा जहाँ पे भी है खुश रहे, उसको अपनी उत्तरी फैमिली का प्यार मिलता रहेगा और जल्दी हमारे पास आएगा क्योंकि हम पॉजिटिव सोच के साथ चले हुए हैं। और जब आप सोच लेते हो ना, एम बना के रखते हो, तो कभी आपको आपके रास्ते में बहुत से प्रॉब्लम्स आएंगी, कभी पीछे नहीं कर पाएंगे आपको। तो अभी तो बहुत ज़्यादा आपने खुद देखा है, 2-3 सालों में खूब भागा हूँ और अभी तो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया हूँ। चलिए कुछ ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, फिलहाल इसको सेट करते हैं और चाय पीते हैं और निकल जाते हैं क्योंकि फटाफट से बारिश खत्म हुई है। और कंचन अंकित को भी लेके आऊँगा, छोटे छोटे बच्चे होंगे उनके साथ सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि आपके अंकुश अग्निहोत्री को बच्चे बहुत पसंद है। मज़ा आ गया, बहुत अच्छा मौसम हो रखा है और हल्की हल्की बारिश भी है। तो फिलहाल मैं मार्केट में जा रहा हूँ फिर से क्योंकि थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह बच्चों के लिए कुछ खाने पीने के लिए चीज़ें लेके आनी, जो हमने वैसे तो लेके आया हूँ लेकिन थोड़ी सी और बस। और एक चीज़ और थी गाइस, मेरे बच्चे का जन्मदिन है, मैं नहीं चाहता कि मैं इस व्लॉग में कुछ अपने दिल की भड़ास निकालूँ, और मजबूत बहुत हो गया हूँ, पहले बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता, अब तो भाई क्या बचा है, सब चीज़ें रख देते हैं सिंपल तरीके से और बहुत अच्छे से हर बातों के जवाब दे देते हैं। लेकिन बच्चा बड़ा होगा वो देखेगा मेरे बाप ने ये वाला वीडियो बनाया मेरे बर्थडे वाले दिन, उसका 3rd बर्थडे, और इसमें पापा गुस्से होंगे, है ना, गुस्से नहीं होगा बेटा, जब तू बड़ा होकर देखेगा ना तो अपने बातों को समझेगा। और तेरे बर्थडे के लिए मैं कोशिश कर रहा था कि मैं इस बार तेरे को यहाँ पर ले आऊँ, बट देखिए भगवान कितना समय लेता है, कितना नहीं मुझे नहीं पता, बट जल्दी तू आएगा मेरे पास मेरे साथ और अपनी सोशल मीडिया वाली बुआओं के साथ और अपनी यहाँ वाली बुआ के साथ, दादी के साथ और यहाँ अग्निहोत्री पूरी फैमिली के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करेगा। और बहुत प्यार करते हैं तुम्हारे पापा, तुम्हारी बुआ, तुम्हारी दादी, तुम्हारी सोशल मीडिया वाली बुआ। हो सकता है तुम्हारे दिल में आने वाले टाइम में इतनी नफरत भर दी जाएगी हमारे लिए, बट अपने दिल और दिमाग से सोचना समझना क्योंकि तू हमारा खून है और हमें पता है कि हम किसी का बुरा नहीं करते, हम एक अच्छी सोच के साथ चलते हैं। मेरे से मिलना, बड़ा हो जाएगा ना, कोशिश तो करो अगर मिल जाते हम ऐसे बढ़िया, लेकिन भगवान ने अगर कहीं ना कहीं पे कुछ गुंजाइश रख ली हमारे मिलने में तो इस व्लॉग को देखना, मिलना मेरे से। बट मेरे एफर्ट्स यही रहेंगे कि मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी अपने पास लेके आऊँ, बट फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे चीज़ें आ गई लाइफ में, अगर मेरे को कुछ हो गया, मैं बात ये है बीच में है ना, क्योंकि मेरी लाइफ कुछ ऐसी इस फ्रस्ट्रेशन में, इस भाग दौड़ में और इन केसेस में ऐसे चल रही होती है कि बहुत गलत गलत ख्याल भी आते हैं मेरे माइंड में, बट मैं भी मजबूत होकर आपके लिए लड़ रहा हूँ
बट फिर भी इन बिटवीन कुछ होता है तो आना, दादी से मिलना, बुआ से मिलना, ये तुम्हारा घर है, और समझना बातों को। और जितना बुरा मेरे को, मेरी फैमिली को तुम्हारे आगे दिखाया जाएगा, हम हैं नहीं। और एक्चुअल पिक्चर को समझना, मैं ये भी नहीं कहता कि कोई बुरा है, लेकिन खुद समझना, ये इतना सा मैसेज। बाकी हमारा आशीर्वाद, अग्निहोत्री फैमिली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। और ये ब्लॉग इसलिए बना, जब बड़ा हो गया ना तो देखेगा हमने पापा। फिलहाल चलते हैं, तेरे बर्थडे की बहुत खुशी है। और मैं चाह रहा हूँ अगर तू छोटा होता ना तो मेरे साथ बैठ के अभी जा रहा होता, तू मेरे पास होता। पापा ये चीजें लेनी है, ये चीजें लेनी, चलिए कोई बात नहीं। बट मैं चाहता हूँ कि जैसा मेरी लाइफ में ये भूचाल आया है ना, और जिन्होंने लाया है उनकी जिंदगी में जरूर आए। और इसमें तेरे दाद की फैमिली, तेरी अग्निहोत्री फैमिली कोई दोषी नहीं है। बातों को समझेगा, बताया जाएगा तेरे को बस सही टाइम आने पे। जैसे बाप आज सब बातों को समझ रहा है ना, तू भी समझ जाएगा। बाकी हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक हो तुम्हें, तीसरा साल करे, तीसरा साल, और ऐसे ही खुश रहो। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। कैसे जाऊं, पेड़ कट गया बट निकल जाएगा जैसे तैसे। मेरे को ना पेस्ट्री लेनी थी, एक्चुअली क्या है कि पूरी नहीं हो पाई एक जैसे, फिर मेरे को अलग अलग लेनी पड़ी। ये भी ले लूँगा, 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 तो ऐसे कुछ। एकदम से ना मौसम देखिए कैसे चेंज हो गया, कितना मज़ा आ रहा है। अभी तो रेनबो, ओ सामने रेनबो भी है हल्का सा, और कितना बढ़िया लग रहा है। बट मेरे पास टाइम नहीं, नहीं तो मैं आपको अच्छा सा व्यू दिखाता अभी। भाई जब अकेले होते ना तो अकेले काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कभी कोई सामान रह जाता है, कभी कोई सामान रह जाता है। तो मैं अभी जस्ट थोड़ा सा सामान फिर से रह गया था वो लेने मार्केट गया हुआ था, और अभी पीछे मम्मी ने प्रिपरेशन कर दी। और मैंने बोला था कि बलून को अच्छे से बाहर से जाके रखना, लेकिन क्या किया बच्चों ने, ये देखिए सारे यहाँ पे इकट्ठे कर दिए, और कह रहे कि सिद्धार्थ की साइकिल के पास इसके साथ बांध के लेके जाने हैं। और फिलहाल सारे बच्चे बाहर बैठे हुए, ये सिद्धार्थ से 2 दिन बड़ा है उसका भाई, और मेरे को बस इसको देख फीलिंग आ जाती है हाँ वो इतना बड़ा हुआ होगा। और सारे बच्चे बाहर बैठे हो, बच्चों कैसे हो सब? Yeah. बढ़िया, कैसे एंजॉय कर रहे हो? फिलहाल मम्मी ने ना ऐसे सेटअप कर लिया, क्योंकि बाहर तो नहीं किया इस बार क्योंकि आंधी तूफान चला हुआ था, और सारा सामान वगैरह पैक कर रहे हैं। ये रही मुंडे की दादी है, ये रही बुआ, खजी केक तुम्हारे सिर के ऊपर लग गया, और ये भी बुआ, और सारे सिद्धार्थ के कजन और उसके फैमिली मेंबर्स है सारे। और तो अभी गाइस क्या है कि बच्चों को ना जो खाना पीना लाया है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और हमारी हेल्प करवाई है मिस्टर, मेरे से भी लंबा हो गया ये छोटा है, कौन सी क्लास में तू? प्लाटू में पढ़ता है। तो बच्चों हर साल ऐसे मनाया करेंगे है ना, और जल्दी सिद्धार्थ आएगा वो हमारे साथ मनाएगा, ठीक है।
पटाखे चलाना है आंधी और डर रहे हैं बच्चे। ये सिद्धार्थ के दो दिन बैठा है, छोटा है भाई, है ना सिद्धार्थ को जानते हैं तुम? नहीं तो गाइस ये बच्चों के लिए मैं लेके आया था उनके लिए, ठीक है फिर करें डिस्ट्रीब्यूट ना। और गाइस अभी ज़्यादा ये फटाफट से डिस्ट्रीब्यूट कर देते क्योंकि बच्चों को भी भूख लगी हुई है और अच्छा लगा। और बाकी बस कुछ इस तरह से रहा हमारा बच्चों के साथ सेलिब्रेशन। अभी बच्चों के साथ सेलिब्रेट करेंगे, गाएंगे खाएंगे और अपना क्या है कि बच्चों के साथ डिस्कशन करेंगे। अनवित की बहन भी आई है, शानवी। शानवी कैसे हो? कंचन बहुत हेल्प करवा रही है मेरी, बहुत हेल्प हो गई है। हमें तो टाइम लगा था बढ़िया, और रोन के लगी हुई थी। और जल्दी सिद्धार्थ हमारे साथ आएगा फिर उनके साथ, क्योंकि सभी बच्चे डिमांड कर रहे थे जब सिद्धार्थ आएगा हम और अच्छे से वो करेंगे, खुशी मनाएंगे। फिलहाल क्या है कि सारे चले गए, हम भी खाते हैं। सिद्धार्थ को मेरी तरफ से, बुआ की तरफ से जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। वो अच्छे से ग्रो करे, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो और जल्दी से हमारे पास आए। सिद्धार्थ को दादी की तरफ से हैप्पी बर्थडे। सोशल मीडिया वाली बुआ को और सोशल मीडिया वाली दादी को और उसकी मासियों को, सोशल मीडिया वाली सबको अग्निहोत्री फैमिली की तरफ से ढेर सारी बधाई। और अब भी बैठ के खाते हैं और गुनगान गाते हैं। हमारे साथ तो नहीं हो, आप भी घर पे बनाइए खाइए और सिद्ध के बर्थडे को सेलिब्रेट कीजिए। कंचन भी खाना खा रही है और कंचन को मैंने छोड़ के भी आना है। चलो ना, रुक जाओ, सुबह चलो मेरे साथ। नहीं नहीं क्यों, जल्दी है ना, कोई बात नहीं। वो ठीक है अंकल जी, अंकल जी रिकवर हो गए, अच्छा लगा। उनको जो क्रिटिकल वाला वार्ड था ना, आईसीयू चार टाइप के होते हैं ना, अब उससे थोड़ा सा चलो अच्छी बात है, रिकवर हो जाए, है ना। और नेक्स्ट मंथ अनवित का बर्थडे भी है। अनवित का बर्थडे आ गया 6 जून को, 8 जून को। बस बोला था आपका बर्थडे चल गया है। हाँ किसका बर्थडे था आज? आज किसका बर्थडे था बोल दो ना। हैप्पी बर्थडे सिटू, हैप्पी बर्थडे सिटू, हैप्पी बर्थडे सिटू। थक गया ना सब, मैं मम्मी जी कंचन जी काम कर रहे हो, क्या है कि फटाफट ना खाना खा ले और बस ये था, तो इसलिए सैलेड कट करने का भी टाइम नहीं मिला। मम्मी सैलेड भी नहीं कट गया और कंचन को भी हम चलो खा लो खाना खाना। बट आज बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हूँ, बहुत सारे फैमिली मेम्बर बहुत खुश हैं क्योंकि आज हमारे बेटे का जन्मदिन था। है ना, चौथा साल ब्याह में हो गया हो, है ना। मेरे को तो बहुत ऐसे ही मजा करता हूँ मैं बच्चों के साथ जो भी होता है। हाँ हाँ तेरी शादी होने वाली है, तेरी शादी होने वाली है, तो सिद्धार्थ भी बड़ा है, तेरी शादी होने वाली है। नहीं जिन्हें उन्हें ब्याह होना है वो जम गई होनी हूँ तक, है ना। 3 साल का हो गया हो, 1-2 साल तो छोटी होंगी है। कई बार मम्मी लोगों के केस में 10 साल छोटी है, अब तो क्या है बड़ी हो जाती है, बड़ी हो सकती है। शानवी बहुत चुपचाप बैठी है। शानवी तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अच्छा लगा शानवी दीदी? शानवी ने पहले ही खा लिया खाना ना, अच्छा लगा आपको? मिर्च नहीं है तो खाने लग गए। चले गए, खाना वगैरह खा लिया और कंचन को हम छोड़ के आते हैं उसके घर, क्योंकि घर पे आपको पता ही है, वैसे तो बोला था इसको यहीं पे रुक जाए बट ये नहीं रुक रही क्योंकि आपको पता है घर में अकेले हैं और भाभी जी भी और उनके बाद छोटा बेबी भी है, तो फिलहाल कंचन जा रहे हैं और हम तो कल जा रहे हैं फिर केक उनके लिए। ठीक है कोई बात नहीं, और फिलहाल निकलते हैं। अनवी ठीक है भाई, फिर अब तेरे बर्थडे पे आएंगे, बुलाएगा तू हमें? है पानी नहीं फेंकना, ये पैसे कहाँ से लेकर घूम रहे बच्चे? क्या बात, मम्मी मिलो तो तुम्हें पैसे समझते हूँ तुम सूट नहीं लगे। चले गए, मैं कंचन को अभी छोड़ कर आया और घर बिल्कुल खाली खाली था, बहुत अच्छा था आज, बहुत अच्छी रौनक लगी बच्चों के साथ और सेलिब्रेशन बच्चों के सारी साथ ही अच्छा लगता है। और कुछ इस तरह का रहा हमारा सिद्धार्थ का 3rd बर्थडे सेलिब्रेशन, होप आप लोगों को अच्छा लगा है। जैसे तैसे बस इतना ही कर पाया मैं, इच्छा तो बहुत ज़्यादा थी बट बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती है, सोचनी पड़ती है, साथ होता तो एक अलग ही मज़ा होता है ना। चलिए जल्दी वो भी दिन आएगा और आप लोगों की प्रेयर्स सब अच्छी कामयाब हो रही है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को भग और सिडू को 3rd बर्थडे की फिर से एक बार हैप्पी बर्थडे सिडू, बाय।